अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स हम जो है वो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे थे और अब उसमें हमने नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन है जी आपके बुक में, लॉर्सन की बुक में एट चैप्टर है और उसका 4B क्वेश्चन है। ये 4B, 4A मैंने आपको करा दिया था और ये 4B है, ठीक हो गया जी। इसको मैंने साइड से कट कर दिया ताकि क्वेश्चन थोड़ा सा वाइड हो जाए। तो इसका थोड़ा सा मैंने कंपनी का ये हेड भी बना दिया है, ये देख लें आप, स्टाइल कंपनी बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट और 31st ऑफ दिसंबर 2005। ये फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ें और इससे हमें ये आइडिया हो जाएगा कि मैंने ये हेड कैसे डिज़ाइन किया है। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज़ अवेलेबल टू रिकॉन्साइल द स्टाइल कंपनीज बुक बैलेंस ऑफ कैश विद इट्स बैंक स्टेटमेंट कैश बैलेंस एज ऑफ दिसंबर 31st 2005। So the name of the company is Style Company and the statement time period is December 31st 2005 and the statement is basically bank reconciliation statement. उसमें सबसे पहले हम करेंगे जी बैंक बैलेंस, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। उसमें मैंने ऐड किया और थ्री कॉलम छोड़ दिए, लेस किया थ्री कॉलम छोड़ दिए और एडजस्टेड बैंक बैलेंस। ओके, इसको भी हम थोड़ा सा इसकी कलरिंग कर लेते हैं और इस तरीके से, और इसको भी हम ब्लॉक में ले आते हैं। इसी तरीके से जी हम बना लेते हैं बैलेंस एज पर बुक स्टेटमेंट, बैलेंस एज पर बुक स्टेटमेंट। ये आ गया जी बैलेंस एज पर बुक स्टेटमेंट। इसमें भी हम जो ऐड की ट्रांजेक्शन हैं वो ऐड करेंगे, 1, 2, 3 मैंने इसमें ट्रांजेक्शन के लिए जगह छोड़ दी है। एड एंड लेस, लेस की फिर ऑप्शन छोड़ देंगे, फिर उसमें भी 3, 1, 2, 3 एंड नंबर 4 पे हम कर देंगे एडजस्टेड, एडजस्टेड बुक बुक बैलेंस। ये आ गया जी एडजस्टेड बुक बैलेंस। इसको भी स्टूडेंट्स हम इसी तरीके से जो है वो कलरिंग कर देते हैं डिफरेंट कलर। ये हो गया जी डिफरेंट कलर इसका भी, और इसको बोल्ड भी कर देते हैं और इसको भी बोल्ड कर देते हैं, ठीक है भाई। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई, अब इसको आगे बोल्ड करने की जरूरत नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, ओके सो स्टेटमेंट नंबर ए इज बेसिकली, स्टूडेंट्स आप स्टेटमेंट नंबर ए को रीड आउट करते हैं, दैट इज आफ्टर posting is complete, the December 31 cash balance according to the accounting records is $31,743.70 and bank statement cash balance for that date is $45,091.80. So, अब हमने सबसे पहले जो है वो बैंक स्टेटमेंट बैलेंस और बुक स्टेटमेंट बैलेंस को मैंशन करना है। सो बैलेंस एज पर जो है जी आपके पास, बैलेंस एज पर बुक कैश बैलेंस, कैश बैलेंस अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का बैलेंस कौन सा होता है जी, ये होता है बुक बैलेंस, ये कंपनी का बैलेंस होता है। सो बुक स्टेटमेंट का बैलेंस जो है वो है स्टूडेंट्स आपके पास कितना हो गया जी, $31,743.70, ठीक हो गया जी स्टूडेंट्स यहाँ तक। उसके बाद जी आपका जो बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट है वो है जी $45,091.80, ठीक हो गया जी। ये 0.80 का बैलेंस यहाँ पे भी आ गया, ठीक है जी। हमने दोनों बैलेंस को ट्रांजैक्शन ए के मुताबिक हमने ये देख लिया कि द कैश बैलेंस, सॉरी थोड़ा सा इसको ख़राब कर रहा है, ओके सो हमने ट्रांजैक्शन ए के मुताबिक ये देख लिया कि आफ्टर पोस्टिंग इज़ कंप्लीट द दिसंबर 31st कैश बैलेंस अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। सो अकाउंटिंग रिकॉर्ड में वो जो बात कर रहा होगा वो किस चीज़ की कर रहा होगा जी,
बुक बैलेंस की बात, कंपनी के बैलेंस की बात कर रहा होगा, जो कि था 31,743.70, और बैंक स्टेटमेंट जो बैलेंस शो कर रही है दैट इज 84,091.80, नहीं सॉरी कितना 45,091.80। ओके, तो ये जो है वो यहाँ पर आपका बैलेंस आ गया। ठीक है भाई, अब हम स्टेटमेंट नंबर बी रीड आउट करते हैं। स्टेटमेंट नंबर बी में चेक नंबर 1273 फॉर डॉलर 1,084.20, चेक नंबर 1282 फॉर डॉलर 390, बोथ रिटन एंड इंटर्ड इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स इन दिसंबर, आर नॉट अमंग द कैंसल चेक्स। ठीक हो गया जी, ये दोनों दिसंबर के चेक्स हैं और ये कैंसल चेक्स में शामिल नहीं हुए। एक चेक नंबर 1273 है और एक चेक नंबर 1282 है, ये दोनों रिटर्न किए गए हैं कौन से मंथ में जी, दिसंबर के मंथ में, और ये कैंसल चेक्स में नहीं है। अब ये कौन से चेक्स हैं स्टूडेंट्स, बोथ रिटर्न मींस ये कंपनी ने रिटर्न किए हैं, कंपनी ने किसी को पेमेंट करनी थी और उस कस्टमर को पेमेंट करने के लिए दो चेक्स कंपनी ने राइट डाउन किए हैं। एक चेक जो है वो है जी डॉलर 1,084.20 का, और दूसरा जो चेक है जी वो है $390 का। अब ये कंपनी ने किसी को पेमेंट करनी थी और दो चेक्स जो है वो कंपनी ने इस मकसद के लिए जो है वो ड्रॉ किए हैं किसी के नाम पर। ठीक हो गया, जिसको उस कंपनी ने पेमेंट करनी थी। अब स्टूडेंट्स, अब आप देखें, अब ये कैंसिल चेक्स में नहीं है, तो ये कैंसिल नहीं है तो इसका मतलब ये आउटस्टैंडिंग है। कैंसिल तब होंगे जब वो जो पार्टनर है जिसके नाम पे इन्होंने इशू किए हैं, सॉरी पार्टनर नहीं होगा, वो एक किस्म का समझ लें कस्टमर ही हुआ, ठीक हो गया, या क्लाइंट हो गया। तो अब वो जिसके नाम पर इशू किए हैं कंपनी ने, जिसको पेमेंट करनी थी, उसने अभी तक अपने बैंक में जाके प्रेजेंट नहीं किए कि ये अमाउंट उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाए। ठीक हो गया, तो इसलिए अभी तक ये आउटस्टैंडिंग है। जिस दिन वो अपने बैंक में प्रेजेंट कर देगा उस दिन ये कैंसिल हो जाएंगे। टू चेक्स नंबर 1231 फॉर डॉलर 2,289 एंड चेक नंबर 1242 फॉर डॉलर 370.50 वर आउटस्टैंडिंग इन द मोस्ट रिसेंट नवंबर 30 रिकंसिलेशन। चेक नंबर 1231 इज लिस्टेड विद द डिसंबर कैंसिल चेक्स, बट चेक नंबर 1242 इज नॉट। अब दो चेक्स जो हैं जी, ये जो मजीद दो चेक्स हैं, एक 1231 है और एक 1242 है, ये दोनों नवंबर के चेक्स हैं और ये नवंबर में आउटस्टैंडिंग थे। इसमें से अब वो कहता है कि जी 1231 जो है वो दिसंबर के कैंसिल चेक्स में से है, लेकिन 1242 नहीं है। ठीक हो गया, तो इसका मतलब 1242 अभी तक कैंसिल नहीं हुआ, ये अभी तक आउटस्टैंडिंग है और ये अब दिसंबर में कैरी फॉरवर्ड हो चुका है। तो 1242 नवंबर वाला चेक भी हम एज एन आउटस्टैंडिंग चेक कंसिडर करेंगे दिसंबर में भी, क्योंकि ये अभी तक इसकी पेमेंट जो है वो गई नहीं है हमारे बैंक से, कंपनी के बैंक से, स्टाइल कंपनी के बैंक से अभी तक ये पेमेंट गई नहीं उस पार्टी को जिसके नाम पर ड्रा किया गया है। ठीक हो गया जी, सो आउटस्टैंडिंग चेक्स की स्टूडेंट क्या वर्किंग होती है? आउटस्टैंडिंग चेक्स की वर्किंग ये होती है कि हम हमेशा उसको बैंक स्टेटमेंट से लेस करते हैं, क्योंकि ये कंपनी ने इशू किए हैं, कंपनी को इसके बारे में नॉलेज था, ज़ाहिर कंपनी ने खुद ड्रॉ किए हैं, कंपनी ने इसको अपने पास से लेस कर दिया है, लेकिन बैंक को नॉलेज नहीं था, तो बैंक भी अब इसको एज एन आउटस्टैंडिंग चेक अपने पास से लेस करेगा। सो ये तीन चेक हैं स्टूडेंट्स, एक हो गया जी आपके पास नंबर चेक नंबर, तीन आउटस्टैंडिंग चेक्स को हम मेंशन करेंगे, बल्कि इसको चेक नंबर हम इस तरह से मेंशन कर देते हैं कि चेक नंबर है जी यहाँ पर सबसे पहले 1273, उसके बाद आ गया जी चेक नंबर 12, अभी ये वाला चेक कौन सा होगा जी, चेक नंबर इसमें आ गया जी आपके पास 1282, ये वाला चेक 1282, और उसके बाद आ गया जी आपके पास नेक्स्ट वन इज दी चेक नंबर 1242, तीन चेक हो गए जी आपके पास। ठीक है जी,
इन तीनों की अमाउंट्स क्या क्या हैं जी, ये भी हम इस कॉलम में मेंशन कर देते हैं। ओके, तो चेक नंबर जो है 1273, इसकी अमाउंट है स्टूडेंट, 1273 की अमाउंट है जी $1,084.20। ये होगी जी आपके पास चेक नंबर 1273 की अमाउंट जो है वो आपके पास आ गई है। उसके बाद है जी चेक नंबर 1282, इसकी अमाउंट है जी आपके पास $390। उसके बाद है जी आपके पास 1242 की अमाउंट जो है वो है $370.50। ये हो गए जी आपके पास तीन चेक्स की अमाउंट आ गई। इनको हम ऐड भी कर लेते हैं सबको, बल्कि आई थिंक ये और भी ना कोई और मज़ीद अमाउंट ना आ जाए, चलें जब तक एरर हमारे सामने नहीं आता, क्योंकि कोई एरर भी हो सकता है, शायद वो लेस हो रहा हो, तो उसके बाद हम इस चीज़ का फैसला करेंगे। ठीक हो गया जी, तो स्टेटमेंट नंबर बी जो है वो अभी तक हमने सॉल्व इसमें कर लिए। अब हम रीड आउट करते हैं जी स्टेटमेंट नंबर सी को। When the December checks are compared with the entries in the accounting record, it is found that check number 1267 has been correctly drawn for 2435 to pay for the office supplies, but was erroneously entered in the accounting record as 2453. Okay. अब जरा इसको, अब ये देखिए, ये entries पिछली entries से थोड़ी सी different है। Statement वही है, सब कुछ वही है, सिर्फ amounts का फर्क है। ठीक है जी, अब स्टेटमेंट नंबर सी को हम दोबारा से रीड आउट करते हैं कि जब हम दिसंबर चेक्स को देख रहे थे विद द एंट्रीज इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, जब हम दिसंबर के चेक्स को देख रहे थे और उसको कंपेयर कर रहे थे, मींस बैंक स्टेटमेंट से देख रहे थे और उसको कंपेयर कर रहे थे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के साथ, तो हमने ये देखा कि एक चेक था 1267 जो कि करेक्टली ड्रॉ हुआ है 2435, मींस बैंक ने वो करेक्टली ड्रॉ किया। अब हम बैंक स्टेटमेंट देख रहे थे, उसमें शायद ये देखने की कोशिश कर रहे थे कि जी कौन कौन से चेक कैंसिल हो गए, तो हमें वो देखते हुए ये पता लगा कि एक चेक जो है वो बैंक ने बिल्कुल ठीक ड्रॉ किया है 2435 से, जो कि ऑफिस सप्लाईज़ का था, शायद ऑफिस सप्लाईज़ कंपनी ने परचेज की थी और पेमेंट की थी ऑफिस सप्लाईज़ की 2435 से, तो हमें ये पता लगा कि जी बट वॉज अर्नेस्टली इंटर्ड इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड एज $2,453, लेकिन हमने उस चेक को अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड के अंदर $2,453 से रिकॉर्ड किया, तो क्या गलती की स्टूडेंट सामने, मींस हमने कम अमाउंट से उसको लेस करना था जो कि थी 2435, हमने उसको ज़्यादा अमाउंट से लेस कर दिया, डेट इज़ 2453, ज़्यादा अमाउंट से लेस कर दिया। ठीक हो गया, आपने ज्यादा अमाउंट लेस कर दी है, तो करनी कितनी थी 2435 करनी थी, मींस $18 का फर्क आ गया, $18 से ज्यादा लेस कर दिया है आपने, अंडरस्टेट कर दिया है। ठीक हो गया, तो अब आप इसको ऐड बैक करेंगे, ये किसका एरर है, ये कंपनी का एरर है, ये कंपनी ने अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड, देखें अकाउंटिंग रिकॉर्ड, कंपनी ने अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड के अंदर गलती की है और ज़्यादा अमाउंट से लेस कर दिया, हालांकि अमाउंट 2435 की थी, तो अब हम $18 को ऐड बैक करेंगे। आप ये देख लें, ठीक है, आपको, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी अकाउंटिंग या अकाउंटिंग एरर और रिकॉर्डिंग एरर कर लें, चलें रिकॉर्डिंग एरर, अकाउंटिंग नहीं है, ये है जी रिकॉर्डिंग एरर। ठीक हो गया, उम्मीद है आपको समझ आई होगी कि ये मैंने क्या किया, ये $18 हमने $18 ज़्यादा लेस कर दिए थे, इसलिए उसको ऐड किया है बुक स्टेटमेंट में ताकि वो बराबर हो जाए, हमें लेस करने थे 2435, हमने लेस कर दिए 2453, ज़्यादा लेस कर दिए $18, तो $18 को ऐड बैक करेंगे अकाउंटिंग रिकॉर्ड कंपनी रिकॉर्ड के अंदर, जो कंपनी की स्टेटमेंट है, तो ये बैलेंस हो जाएगा। इससे पहले क्या होता रहा है, इससे पहले ये होता था कि हमने जो है वो
चेक ज़्यादा अमाउंट का होता था और हमने अकाउंटिंग रिकॉर्ड के अंदर कम मेंशन की होती थी, तो हम उसको हमेशा लेस किया करते थे। इससे पहले वाले क्वेश्चन से, इससे जो लास्ट टू क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, वो हमेशा रिकॉर्डिंग एरर लेस होता था, क्योंकि हमने ज़्यादा अमाउंट लेस करनी होती थी, ये अमाउंट ज़्यादा होती थी। मतलब यही अगर 2453 अगर ऊपर होता और 2435 इधर यहाँ नीचे होता, तो फिर हम उसको लेस कर रहे होते, क्योंकि ज़्यादा अमाउंट लेस करनी थी, हमने कम अमाउंट लेस की है जैसे पिछले क्वेश्चंस में हुआ है, तो हम उसको लेस किया करते थे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ जी, कम अमाउंट लेस करनी थी, हमने ज़्यादा अमाउंट लेस कर दी, तो जो फ़र्क है उसको हमने ऐड बैक कर दिया कंपनी बैलेंस के अंदर। ठीक हो गए स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको ये एरर जो है वो ज़रूर समझ आ गया होगा। आप ये बात जहन में रखिएगा कि आपके क्वेश्चन के अंदर मैं आपको एरर ही जो है वो सारी टाइप्स के दूंगा, बुक बैलेंस के भी एरर दूंगा, बैंक बैलेंस के भी एरर दूंगा, और शायद ऐड वाले भी दे दूँ और लेस वाले भी दे दूँ। तो इनको समझना आपके लिए ज़रूरी है। आप ये ज़रूर देखिएगा कि ये ऐड किस सूरत में होते हैं और लेस किस सूरत में होते हैं। मेरी मैंने पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं वही आपसे कहता हूँ कि आप ऑनलाइन सेशन अगर लगाएंगे तो उसमें आपको, अगर जिसको स्टूडेंट्स को मसला होता है तो वो मुझसे डिस्कस करें अपने इश्यूज़ को, ताकि वहाँ पे बात आसानी से आपको मज़ीद समझ में आ जाएगी। ठीक हो गया जी। अब स्टूडेंट्स जो है, नेक्स्ट स्टेटमेंट इज दी डी, स्टेटमेंट नंबर डी, टू डेबिट मेमोरेंडा आर इनक्लोज विद अ स्टेटमेंट एंड अनरिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ रिकंसिलेशन। वन डेबिट मेमोरेंडम, वन डेबिट मेमोरेंडम इज ऑफ $749.50 एंड डेल्ट विद एन NSF चेक फॉर $732 रिसीव फ्रॉम द कस्टमर। टाइटस इंडस्ट्रीज इन पेमेंट ऑफ इट्स अकाउंट द बैंक असेस्ड ऑफ $17.50 फी फॉर प्रोसेसिंग इट। द सेकेंड डेबिट मेमोरेंडम इज $79 चार्ज फॉर द चेक प्रिंटिंग। स्टाइल डिड नॉट रिकॉर्ड दीज ट्रांजेक्शन बिफोर रिसीविंग द स्टेटमेंट। अब मैंने आपको बताया था जी, क्रेडिट मेमोरेंडम और डेबिट मेमोरेंडम वो स्टेटमेंट्स होती हैं जो कि बैंक देता है कंपनी को, और कंपनी उसके मुताबिक अपने देखती है कि कौन सा जो है वो हमारे ऊपर पेमेंट लगी है, कुछ एक्सपेंसेस बियर करने पड़े हैं, या कौन सी NSF चेक था। डेबिट मेमोरेंडम की वो अमाउंट्स होती हैं जो कि हम बुक स्टेटमेंट से लेस करते हैं, क्रेडिट मेमोरेंडम की वो अमाउंट होती हैं जो कि हम बुक स्टेटमेंट में ऐड करते हैं। सो दीज आर द वर्किंग्स। ठीक हो गया जी स्टूडेंट्स। सो अब यहाँ पर इसके अंदर ये एक डेबिट मेमोरेंडम की जो अमाउंट है वो 749.50 है, और इसके अंदर जो NSF चेक की अमाउंट है वो है 732, और जो उसके ऊपर प्रोसेसिंग फी है वो 17.50 है। अब इन दोनों को आप ऐड करें, 732 प्लस 17.50, तो ये कितना बन जाता है जी, 749.50। सो दिस इज वन अमाउंट विच कंसिस्ट ऑफ वन NSF चेक अमाउंट एंड द सेकेंड वन इज द प्रोसेसिंग फी फॉर दैट NSF चेक अमाउंट, दैट इज 17.50। सो दीज टू अमाउंट बेसिकली, ये वो अमाउंट है जो कि ये 749.50 कंसिस्ट इसके अंदर हैं। ठीक है, एक NSF की अमाउंट होगी और एक उसकी प्रोसेसिंग फी होगी, इसलिए इसको अलग अलग मत डील करिएगा, ये दोनों ऐड होके ये बन रही है बेसिकली। ठीक है जी। सो हम सबसे पहले मेंशन करेंगे जी NSF चेक, जो के है $732 कितने का जी, 732। उसके बाद है आपके पास प्रोसेसिंग फी NSF आप क्या जी आगे प्रोसेस प्रोसेस फी NSF प्रोसेस फी कितनी है जी, NSF प्रोसेस फी इज $17.50। ठीक हो गया जी यहां तक। उसके बाद जो है, अब ये एक है जी चेक प्रिंटिंग की भी फीस है। ओ सॉरी, ये मैं क्या कर रहा हूँ, देखें अब यहां से देखें, मैं आपके सामने ही एक मिस्टेक कर रहा हूँ। अब अगर आप क्लास में होते इस वक्त तो आप मुझे ज़रूर बताते, सर ये आप क्या कर रहे हैं, डेबिट मेमोरेंडम तो लेस होता है बुक स्टेटमेंट से, आप इसको ऐड क्यों कर रहे हैं। देखा, ऐसी ऐसी मिस्टेक्स टीचर भी कर जाते हैं।
सो यहाँ से हम इसको कट करेंगे, हम डेबिट मेमोरेंडम को हमेशा क्या करते हैं, लेस करते हैं, मैं इसको यहाँ पे। तो अब मैंने वहाँ से कट की ये वैल्यूज़, हमेशा याद रखिएगा डेबिट मेमोरेंडम की अमाउंट्स बुक स्टेटमेंट से लेस होती हैं, क्रेडिट मेमोरेंडम की अमाउंट बुक स्टेटमेंट में ऐड होती हैं। मैं बाय मिस्टेक ये काम कर रहा था। अब जो स्टूडेंट्स होते हैं अटेंटिव किस्म के, वो उस वक्त अगर क्लास में होते तो मुझे एकदम मना करते, सर आप गलत कर रहे हैं। तो अब ये थोड़ा सा ऑनलाइन टीचिंग का थोड़ा सा इश्यूज़ हैं कि हम इस तरह से डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी उसके तरीके हमने सारे आपकी यूनिवर्सिटी ने जो है वो MS टीम्स डेवलप कर ली हैं, और आप आपके जो भी इश्यूज़ हैं आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं थ्रू ऑनलाइन सेशन। ओके, सो स्टूडेंट्स NSF चेक जो है वो हमने लेस कर दिया है, दैट इज़ 732, और उसके ऊपर NSF प्रोसेस फ़ी भी जो है 17.50 की लेस कर दी है। उसके बाद जी लेस करना है प्रिंटिंग फी, ठहरे चेक प्रिंटिंग है ना, सॉरी चेक प्रिंटिंग, चेक प्रिंटिंग के कितने चार्जेस हैं जी, चेक प्रिंटिंग के चार्जेस हैं यहाँ पर $79। ठीक हो गया जी, यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आप सबको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी और मेरी बातें आप सबको क्लियर हो गई होंगी। ओके, अब हम आगे चलते हैं और नेक्स्ट स्टेटमेंट रीड आउट करते हैं, दैट इज स्टेटमेंट नंबर ई। अ क्रेडिट मेमोरेंडम इंडिकेट्स दैट द बैंक कलेक्टेड $20,000 कैश और नोट्स रिसीवेबल फॉर अ कंपनी, डिडक्टेड अ 20 कलेक्शन फी एंड क्रेडिटेड द बैलेंस टू द कंपनीज कैश अकाउंट। स्टाइल डिड नॉट रिकॉर्ड दिस ट्रांजेक्शन बिफोर रिसीविंग द स्टेटमेंट। 20,000 रिसीव होने थे जी, बैंक ने कलेक्ट किया है कैश जो है वो कंपनी के बिहाफ पर किसी उसके कस्टमर से, और उसमें से कलेक्शन फ़ी जो है $20 की लेस कर ली है, और इस अमाउंट को क्रेडिटेड कर दिया है कंपनी के कैश अकाउंट में। क्या मतलब हुआ इसका कि ऐड कर दिया है, जब कंपनी के अकाउंट में पैसा ऐड होगा तो वो बैंक उसको क्या कंसिडर करेगा, क्रेडिटेड। ठीक है, डेबिटेड होता है विड्रॉ, पैसा निकालना अकाउंट से, क्रेडिटेड ऐड करना पैसे को बैंक अकाउंट में। ठीक हो गया, सो द क्रेडिटेड द बैलेंस टू द कंपनीज कैश अकाउंट। स्टाइल डिड नॉट रिकॉर्ड दिस ट्रांजेक्शन बिफोर रिसीविंग द स्टेटमेंट, स्टाइल ने इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड ही नहीं किया हुआ। सो क्रेडिट मेमोरेंडम की अमाउंट जो है वो है जी, हम कह सकते हैं इसको नोट रिसीवेबल, नोट रिसीवेबल। सो इसके साथ बोल्ड क्यों नहीं आया, ये क्या बात है, इसके साथ क्या लड़ाई है। अच्छा, सो नोट रिसीवेबल इज डॉलर कितना हो गया जी, $20,000। अच्छा ये देखें, अब इसके साथ ये मैं यहीं से कलेक्शन फी लेस कर रहा हूँ, ये हम कल भी इस तरह के क्वेश्चन कर चुके हैं। सो 20,000 माइनस 20 उसकी कलेक्शन फ़ी भी लेस कर रहा हूँ। ठीक हो गया जी, यहीं से लेस कर रहा हूँ, एक तो 20,000 रिसीव हुए हैं उसके ऊपर उसके चार्ज भी लगाया जी, कलेक्शन फ़ी भी लगाई है। मैं नीचे से भी यहाँ से भी लेस कर सकता हूँ, लेस से भी यहाँ पर भी कलेक्शन फ़ी ऐड कर सकता हूँ 20, लेकिन मैं ऊपर ही कर रहा हूँ। तो 19,980 कलेक्शन फ़ी भी लेस हो गई है, इसको भी बोल्ड कर देते हैं। ठीक हो गया जी, इसको भी हमने बोल्ड कर दिया। उसके बाद आ गया जी स्टूडेंट्स आपके पास स्टेटमेंट नंबर एफ। स्टेटमेंट नंबर एफ इज स्टाइल December 31st कैश रिसिप्ट ऑफ $7,666.10 वर प्लेस इन द बैंक नाइट डिपॉजिटरी ऑन दैट डेट बट डजंट अपीयर ऑन Do not appear, sorry, on the December 31st bank statement. अब ये क्या है जी, ये है जी जो कैश रिसीव हुआ है कंपनी को और कंपनी ने ये प्लेस कर दिया है बैंक की नाइट डिपॉजिटरी में और अभी तक ये अपीयर नहीं हुआ बैंक की स्टेटमेंट में। सो दिस इज क्या होता है जी, दिस इज डिपॉजिट इन ट्रांजिट। कितने का है जी ये डिपॉजिट इन ट्रांजिट, कितने का है जी, $7,666.10।
बनी, शायद मैं गलती ना कर रहा हूँ, 7666.10, ओके मिस्टेक, कोई गलती नहीं हुई। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इस सब को कर देते हैं ऐड और माइनस जो भी हम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। कितना टाइम रह गया आपकी, 5 मिनट्स हुए अभी, चलें ठहरे। सो ये हमने किया जी, इसको कैरी फॉरवर्ड कर दिया आगे, और इनको भी हमने ऐड कर दिया जी, इन सब को ऐड कर दें, दिस वन प्लस दिस वन प्लस दिस वन प्लस दिस वन, ऐड हो गया जी। इसको अंडरलाइन कर लें, इसको भी यहाँ पे अंडरलाइन कर लें, ठीक हो गया जी, ये अंडरलाइन हो जाएगा। इसका बैलेंस आगे कैलकुलेट कर लेते हैं, इज इक्वल्स टू दिस वन प्लस दिस वन, ठीक है जी। बैलेंस है बैंक स्टेटमेंट, उसके अंदर ऐड करें डिपॉजिट एंड ट्रांजिट को, 7666.10, ऐड हुई दोनों अमाउंट, तो ये अमाउंट आ गई। इसमें से अब इस अमाउंट को हमने लेस करना है, तो एडजस्टेड बैंक बैलेंस कितने का होगा जी, इज इक्वल टू दिस अमाउंट दिस वन माइनस लेस वाली तीनों चेक्स की अमाउंट हमने लेस कर दी, तो आ गया जी आपके पास 50,913.20। उसके बाद जी इन दोनों ऐड करें, ये दोनों अमाउंट्स अब ऐड होंगी, दिस वन प्लस दिस वन, जो ऐड वाली अमाउंट्स उनको ऐड कर दें, तो इसको अंडरलाइन कर लें, और फिर आपके पास आप इसको कैलकुलेट करें, ठीक है। बैलेंस एज पर बुक स्टेटमेंट प्लस ऐड वाली जो दोनों अमाउंट्स हैं, एरर और नोटिसबल, इसको ऐड किया हमने, तो ये हमारे पास अमाउंट आ गई 51,000। इसमें से अब ये तीनों जो लेस होने वाली अमाउंट्स हैं, इन तीनों को ऐड करते हैं, दिस वन प्लस दिस वन प्लस दिस वन, ठीक है जी, तीनों को हमने ऐड किया। सो एडजस्टेड बुक बैलेंस इज 51,740.70 माइनस 828, 50,913.20। सो वी हैव रिकनसाइल्ड इट, एडजस्टेड बैंक बैलेंस विद द एडजस्टेड बुक बैलेंस, दैट इज 50,913.20। इसको हम डबल अंडरलाइन भी करते हैं और इसको ज़रा हाईलाइट भी करते हैं, ताकि हमें थोड़ा सा, ठीक हो गया जी, ये देखें जी, थोड़ा सा मैंने इसको हाईलाइट कर लिया, बल्कि इसका कलर भी मैं समझता हूँ कि होना चाहिए डिफरेंट, ताकि आपको ज़्यादा वाजिया तरीके से पता लग सके। तो ये हो गया स्टूडेंट्स, हमने ये क्वेश्चन नंबर 4B 8 चैप्टर का लॉर्सन की बुक से सॉल्व कर लिया है। मिक्स की बुक में ये चैप्टर नंबर 7 है, लॉर्सन की बुक में चैप्टर नंबर 8 है, तो हमने यहाँ से इसको सॉल्व कर लिया है, ठीक हो गया जी स्टूडेंट्स। आपको यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि समझ आ गई होगी कि बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में हम क्या करते हैं। बैंक स्टेटमेंट में वो एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं कि जो बैंक के नॉलेज में नहीं थी, तो कंपनी ये इन्फॉर्मेशन बैंक को दे रही है और बैंक इसको रिकॉर्ड कर रहा है, और बैंक बुक स्टेटमेंट में वो एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं जो कि कंपनी के नॉलेज में नहीं थी, ये बैंक के नॉलेज में थी और बैंक ने कंपनी को दिया ये स्टेटमेंट्स, नहीं डेबिट मेमोरेंडम क्रेडिट मेमोरेंडम, तो बैंक कंपनी ने उसको रिकॉर्ड किया। सो इस तरीके से ये दोनों रिकॉर्ड की जाती हैं, और इस तरीके से हम बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाते हैं। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आप लोग यहाँ तक बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट को समझ गए होंगे। मैं फिर भी एक क्वेश्चन जो है वो जो भी रहता है दूसरी बुक से, मिक्स की बुक से एक क्वेश्चन हमारे पास था, अब हम उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं वो क्वेश्चन भी आपके सामने लेकर आऊँगा। लेकिन अभी मैं ये उम्मीद करता हूँ कि हम एक ऑनलाइन सेशन भी लगाएंगे इंशाल्लाह, तो हम ज़्यादा बेहतर अंदाज में, जिन स्टूडेंट्स को कोई इशू भी है अगर बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट के हवाले से, तो वो इसको समझ जाएंगे, बिकॉज दिस इज़ कन्फ्यूजिंग समटाइम्स। जो एरर की एंट्रीज हैं वो कई बार स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करती हैं, और स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा गलती एरर्स के अंदर करते हैं। बाकी तो चलो रटा लग जाता है कि डिपॉजिट एंड ट्रांजिट बैंक स्टेटमेंट में ऐड होता है, आउटस्टैंडिंग चेक्स लेस होते हैं, डेबिट मेमोरेंडम लेस होता है बुक स्टेटमेंट से, और क्रेडिट मेमोरेंडम ऐड होता है, ये तो चलो रटा हो जाता है। लेकिन एरर्स जो हैं, मैं आपको ये बात जहन में रखिएगा कि 4 एरर्स देता हूँ, बैंक स्टेटमेंट के भी 2 एरर देता हूँ और बुक स्टेटमेंट के भी 2 एरर देता हूँ, कि एक ऐड हो रहा होता है, एक लेस हो रहा होता है। तो इस तरीके से फिर थोड़ा सा स्टूडेंट्स के लिए समझना मुश्किल हो जाता है। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।